ठंड आ गई, लेकिन अपने स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अब इस ठंड में इतने सारे स्टेप्स कौन फॉलो करे, इतना मुश्किल स्किन केयर रूटीन जिसको जिसमें फेस को वॉश करें, फेस की एक्सफोलिएशन करें, फिर क्लेंजिंग करें, फिर टोनिंग करें, और उसके बाद उसकी उसको ट्रीट करें, उसको मॉइस्चराइज करें, और उसको फिर नाइट क्रीम लगाएं, इतने सारे स्टेप्स मुश्किल होता है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो अच्छा स्किन केयर रूटीन होता है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जिसको हर कोई फॉलो कर सके। तो आज मैं अपना वही बहुत ही ईजी सिंपल सा 3 स्टेप्स पर बेस करता हुआ एक ऐसा स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी जो ठंड में आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, बहुत खुश होंगे। और ये अपनी शॉल जो है वो उसको मैं इंजॉय कर रही हूँ। ठंड आ गई है, पुरानी शॉल्स, पुराने गर्म गर्म कपड़े जो है ना वो मैं फिर निकालती हूँ और उसको फिर नए अंदाज़ से पहनती हूँ। तो इस शॉल को बाय द वे आपने बहुत दफ़ा देखा होगा पहले भी, लेकिन इस दफ़ा मैंने इसको डिफरेंट कलर के साथ पहना है, तो ज़रा मुझे भी नई नई फील आ रही है। तो आई होप कि आप लोग भी इसी तरह से ठंड को इन्जॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इस प्यार से कमेंट्स करते हैं कि मैं रह नहीं सकती आपका शुक्रिया अदा किए बगैर। सो नाइस ऑफ यू। और सब्सक्राइब करते हैं, और अगर नहीं किया, इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि वीडियोस भी जैसे मैं अपलोड करूँ तो आपको पता चल सके। अच्छा, एनीवेज, अब आज की जो वीडियो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि स्किन केयर रूटीन की बात हो रही है। आज मैं आपके साथ बाय द वे बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ शेयर कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले उससे भी ज़बरदस्त चीज़ एक मैसेज देना है आपको, वो ये कि न्यू ईयर आने वाला है। और हमेशा न्यू ईयर पर जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं अपनी बात करती हूँ या अपना कोई रेजोल्यूशन आपको बताती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली के मेंबर्स से मिलूं और उन मेंबर्स को अपनी पूरी जो बड़ी सी YouTube फैमिली है हमारी, उन सबसे मिलवाया जाए। तो उसका एक बहुत ज़बरदस्त तरीका ये है कि आपने जल्दी से अपनी 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर एक वीडियो बनानी है जिसमें आप अपना नाम बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जल्दी जल्दी से, और फिर न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बताइए, यानी कि न्यू ईयर पर आपके क्या इरादे हैं, नए साल में क्या करना चाह रहे हैं, कौन सी अपनी आदत को बदलना चाह रहे हैं, कौन सा अच्छा काम करना चाह रहे हैं, ये आप हमें बताएंगे। यानी कि मेरी फैमिली के मेंबर्स अब अपनी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल एड्रेस आपके लिए छोड़ा है, उस पर आप मुझे अपनी ये 30 सेकेंड्स की वीडियो बनाकर भेज दीजिए। कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, आज मैं आपके साथ अपना वो स्किन केयर रूटीन शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत आसान है। और बेसिकली स्किन केयर रूटीन को बहुत आसान होना चाहिए, पता नहीं क्यों हमने इसको इतना मुश्किल बना दिया है, इतना महंगा बना दिया है कि ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जिसमें बहुत सारे केमिकल्स, फिर ये लगाना, फिर ये लगाना, फिर ये लगाना, फिर ये लगाना, उसके बाद फिर हम इतने उकता जाते हैं, इतने बेजार हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि अब छोड़ो इस स्किन केयर रूटीन को, वैसे ही बस नींद आ रही है सो जाओ। ऐसे नहीं होना चाहिए, स्किन केयर रूटीन को बहुत आसान, बहुत बजट फ्रेंडली, नेचुरल होना चाहिए और कोई बोझ नहीं होना चाहिए। तो आज ऐसा ही मैं अपना स्किन केयर रूटीन जो मैं विंटर्स में फॉलो करती हूँ, जो कि इतना सिंपल है कि आप कहेंगे कि इससे ज़्यादा सिंपल स्किन केयर रूटीन क्या हो सकता है, जो आपको सारे फ़ायदे दे रहा है, जो आपको स्किन के जो स्टेप्स हैं, एक्सफोलिएशन, ट्रीटिंग, मॉइस्चराइजिंग, सब कुछ कर रहा है और बहुत सिंपल तरीके से। तो उसकी तरफ चलते हैं, वो पूरा आज मैं आपको डे से नाइट तक का बताती हूँ स्किन केयर रूटीन की मैं किस तरह से अपने विंटर्स में अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप जो है वो सुबह उठते हैं ना, मुंह धोते हैं ना, वैसे ही मुंह धोना है। बस फ़र्क ये है कि आपको फेस वॉश की बजाय नेचुरल बेसन के आटे से मुंह धोना है। वैसे बाय द वे ये जो फेस वॉशेस और ये सोप्स और ये ब्यूटी सोप्स और ये ब्रांडेड सोप और ये तो पहले नहीं होते थे ना, वो एंशियंट जो ज़माना था पुराना, उसमें बेसन के आटे से फेस को वॉश किया जाता था। वो क्या जेंटल तरीके से एक्सफोलिएशन होती थी, क्या जेंटल तरीके से वो मॉइस्चराइजेशन होती थी स्किन की, और वो सारा डर्ट, सारी चीज़ें साफ़ हो रही होती थी, स्किन ख़राब ही नहीं होती थी। तो अब वही करना है हमें बहुत सिंपली। आपने अपने वॉशरूम में बेसन का आटा जो है वो थोड़ा सा कंटेनर में डाल के रख लेना। बेसन का आटा जो चिकपी फ्लावर भी कहते हैं इसको, ग्राम फ्लावर भी कहते हैं उसको, तो वो आपने थोड़ा सा रख लेना है, 1/2 टीस्पून लेना है पानी के साथ। थोड़ा सा उसको अपने फेस को वॉश कीजिए, नेक को वॉश कीजिए, इससे ये होगा कि सुबह सुबह आपकी जो एक हैवी सी फीलिंग होती है ना, वो भी आपकी फेस धुल जाएगा, साफ़ हो जाएगा, और साथ साथ एक्सफोलिएशन इतनी जेंटली होगी कि ये सेंसिटिव स्किन के जो लोग हैं, जो ड्राई स्किन के लोग हैं, ऑयली स्किन के सब के लिए ये जो है वो सूटेबल है, बहुत आइडियल है। तो एनीवेज ये कर लेना है आपको पहले स्टेप में, और उसका पहले स्टेप का पार्ट
टू ये है कि बस सनस्क्रीन लगा लेना है एज अ मॉइस्चराइजर, क्योंकि सनस्क्रीन तो मस्ट होती है ना. सनस्क्रीन अगर आप ये समझें कि विंटर में बादलों में सूरज छुप गया है, ऐसा नहीं होता, सूरज छुप जाता है लेकिन वो सूरज के जो नुकसान है ना वो हो रहे होते हैं उसको हमारी स्किन को. तो एनी वेज सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है उसके बाद. और अगर आप समझते हैं कि आप जो बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाले सनस्क्रीन जो है वो नहीं लगाना चाहते, तो मैंने आपके साथ एक बहुत अच्छी होममेड सनस्क्रीन शेयर किया है, वो आप लगाएं. बजट फ्रेंडली भी है क्योंकि ब्रांडेड महंगे महंगे सनस्क्रीन जो है ना उसे फेस पर ही लगाती हैं खातिन, हाथों को पैरों को सबको निगलेक्ट करती हैं. तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप इसको पूरी बॉडी पर लगा सकते हैं सनस्क्रीन जो जो एक्सपोज होते हैं एरियाज. अब हम स्किन को ट्रीट करेंगे अपने आफ्टरनून में, इवनिंग में. आपको अगेन फेस को वॉश करना है, लेकिन अब के आपको फेस वॉश के साथ थोड़ा सा बेसन ऐड करके फेस को वॉश करना है ताकि और वो स्किन क्लीन हो जाए, यानी कि क्लेंजिंग भी हो रही है हमारी और हम स्किन को ट्रीट भी करेंगे. अब तो थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा अपना फेस वॉश, साबुन जिससे भी आप करते हैं उसको मिक्स करके और अपने फेस को, नेक को अच्छी तरह से साफ करके आपने मेकअप वेकअप सब डर्ट सारी चीज़ें रिमूव कर ली, स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, सब बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे साफ हो जाएंगे. उसके बाद हम स्किन को ट्रीट करेंगे और ट्रीट ऐसे करेंगे कि हमें एक ऑरेंज की ज़रूरत होगी. ऑरेंज या लेमन ले लें या ग्रेपफ्रूट ले लें या किनू ले लें, संतरा, मेरे ख्याल वही होता है, एक सिट्रस फैमिली होती है, तो उसमें से कोई भी एक चीज़ आपको पिक करनी है और उसको अंदर का जो पल्प है उसको खा लें. विटामिन सी बहुत अच्छा होता है और जो हमें स्किन है उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, तो इसकी पील जो होती है ऑरेंज की, तो ऑरेंज की पील जो है उसको हम जो अंदर वाला वाइट पार्ट होता है ना वो हमने फेस वॉश करने के बाद हमने वाइट पार्ट से अपनी स्किन को मसाज करना है. अच्छा, अब इसके बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं. एक तो नेचुरल आपकी स्किन जो है वो ट्रीट हो रही है नेचुरल तरीके से, और दूसरा मसाज हो रहा है आपकी स्किन, जो ब्लड फ्लो है वो आपकी स्किन का इंक्रीज़ हो रहा है जिससे आपकी कोलेजन की प्रोडक्शन बेहतर होगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट सफल रहेगी. अच्छा, ये 5 मिनट तक आपने इसके इनर पार्ट जो होता है ना अंदर वाला पार्ट वाइट, उससे आपको हल्के हल्के, बड़ा जेंटल होता है और बहुत अच्छा रहता है विंटर्स में, तो उससे आपको नेक और फेस पर मसाज करना है. और उसके बाद उस पार्ट का जो येलोइश पार्ट होता है, जो ऑरेंज पार्ट होता है, उसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है, बाय द वे पल्प से ज़्यादा होता है उस पील में, तो उसको स्क्वीज़ करेंगे ना तो उसकी स्प्रिंकल होके ना वो सारा विटामिन सी आपकी स्किन पर आएगा. उसको आपने पूरी स्किन और नेक पर, अपने फेस पर, नेक पर लगाना है और फिर पैक पैक करके थपथपा देना है, ठीक है. दैट्स इट, 5 मिनट तक छोड़ दीजिए ताकि एब्जॉर्ब हो. और उसके बाद आपने सिंपली पानी से फेस को वॉश करके और आपने एक हाइड्रेटिंग स्प्रे बनाना है, जो कि अगेन बहुत सिंपल चीज़ है, रोज़ वाटर के साथ. अगर कि आपकी स्किन ऑयली है तो आपने होहोबा ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने आमंड ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं, और वो स्प्रे बनाएं और उसको स्प्रे करें और बस ये मॉइस्चराइज हो गई आपकी स्किन, ज़बरदस्त ट्रीट भी हो गई. अब स्टेप 3 की तरफ चलते हैं, जब रात को सोने से पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूरी रात आपकी स्किन रिपेयर करे अच्छी तरह से, सारा उसको फ़ायदा पहुँचे. तो उसके लिए हमें, जो पिछली वीडियो में आपके साथ मैंने ऑल इन वन एंटी एजिंग विंटर्स की क्रीम जो मैंने शेयर की थी, वो विंटर क्रीम आपको अपने फेस पर लगा लेनी है एज अ नाइट क्रीम, फेस और नेक पर, हाथों पर, पैरों पर. दैट्स इट, इतना आसान, इतना सिंपल, एक 3 स्टेप्स वाला स्किन केयर रूटीन जब आपके पास है नेचुरल, वो भी तो क्यों हम एक्सपेंसिव इतने सारे प्रोडक्ट्स अपने फेस पर लगाएं, इतने सारे केमिकल्स लगाएं और उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट वही मिलेगा आपको, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा मिलेगा जो आप नेचुरल चीज़ें लगाएंगे ऑनेस्टली. तो फिर नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ और उसको फॉलो करें. और साथ जो है वो न्यूयॉर्क का मैसेज आपको 30 सेकंड्स का ज़रूर मुझे वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना है, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने ईमेल एड्रेस दिया है उसको, उस ईमेल एड्रेस पर मुझे 30 सेकंड्स का मैसेज, आपका न्यूयॉर्क का वीडियो मैसेज ज़रूर चाहिए, ठीक है. मैं चाहती हूँ मैं अपनी फैमिली से मिलूं और मैं अपनी फैमिली के मेम्बर्स को पूरी यूट्यूब की फैमिली से मिलवाऊँ, ठीक. तो अपना ख्याल रखिएगा और इस सिंपल से स्किन केयर रूटीन को फॉलो कीजिएगा. अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखें, पानी का इंटेक प्रॉपर करें और मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी. मुझे इंतज़ार रहेगा, बहुत जल्द मिलूंगी ज़बरदस्त वीडियो के साथ. अब तक अल्लाह हाफिज़. वीडियो अगर अच्छी लगी है और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो मेरी सबसे पहले आप देखें. और अब आप मुझे YouTube के साथ साथ Facebook, Instagram और TikTok पर भी फॉलो कर सकते हैं.